और मेरी बेटी को भिखारिन बोला है। आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, मत जाइए। तो बोले हैं कि अगर मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, तो राजा याति को पत्र भेजा है शुक्राचार्य ने। राजा याति बरात लेकर के जब आए, बड़े विधि विधान के साथ में देवयानी के साथ विवाह हुआ राजा याति का। लेकिन विदाई के समय शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और एक बात कही है, विप्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। जो ये शर्मिष्ठा नाम की दासी जा रही है, आप इसके आसपास भी नहीं भटकने चाहिए। ठीक है, तो विदा किया। हुआ ऐसा, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़िया आई है, अनुसार देवयानी के गर्भ से दो पुत्रों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। देवयानी के गर्भ से दो लला भाई महाराज, यदु और तुर्वस। एक दिन राजा लौट रहे राजसों, तो शर्मिष्ठा ने हाथों को इशारा दे के बुलायो और जवाब दो है, ते आओ पहुंचे, बिठाई लियो, भोजन पानी करायो है।